Vale, Questo era un po' si terra, vedi, non mi... Ecco, ti voglio una mamma. Non parli di suono là? ये क्या थे वे मम्मी फत्ते कर ये क्या था क्या तो इसी के लिए आए तो फिर इसी से प्यार करेंगे करेंगे नहीं बेड में जाके पूरा लेट गया ठीक है मालिश हो रहा है मालिश हो रहा है तेल की गर्मा गर्म तेल की मालिश रोज मिल रही है हाँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर पिंजरी हो गया मैंने इसको फ्राई कर दिया गोंद को अब इसी में मैं काजू और बादाम थोड़ा बहुत फ्राई करूँगी और उसके बाद सूजी को अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद थोड़ा सा बना दूँगी पहले अब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा से बना दूँगी तो अभी चलिए फटाफट से बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पिंजड़ी और पिंजड़ी के लिए दो तीन सामान कम था तो मैंने कहा जितना सामान है उसी का भी बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर अंदर जैसे कुछ कुछ सामान नहीं मिलता उसके लिए बाहर जाना पड़ता है तो मैंने कहा चलो जैसे बाहर जाने का मौका मिलेगा तो बाहर से लेके मैं बना दूँगी तो अभी जो सामान है उसी का मैं बना देती हूँ तो मैं यहाँ पर बस मैंने बनाना शुरू कर दिया है तो काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे कि मेरा पिछला ब्लॉग मुंबई का था और डायरेक्ट अभी का ब्लॉग जैसे मैं वर्षा के पास आई हूँ तो वहाँ का है तो बीच में जैसे मैं मुंबई आ गई थी उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था वहाँ पर और जैसे वीडियो वगैरह बन रहा था मेरा तो उसके बीच में फिर जैसे आप लोगों को पता है कितनों को कि मेरा बेटा आकाश का पैर में चोट लग गई थी तो इस वजह से मतलब मेरे को ब्लॉग बनाने का वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया इतना हो गया कि टेंशन हो गया कि मतलब पैर में उसको लग गया था तो एक टेंशन तो चल ही रहा था तो फिर उसके ऊपर फिर इधर से भी टेंशन आया कि मतलब वर्षा को इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है तो मुझे तो सच में ऐसा हो गया कि ले अब मैं क्या करूँ तो फिर मैंने फटाफट से आकाश को बताया तो उसने बोला नहीं मम्मी आपको जाना चाहिए क्योंकि अभी दीदी को आपकी ज़रूरत है मैं यहाँ पर ठीक हूँ तो यहाँ पर मेघा भी थी और ज्वाई भी थे साथ में और वो लोग बोल रहे थे दोनों जने कि रहने दो आप मत आओ हम हैं बोल के और जैसे मैं वर्षा से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी चाह रही थी कि मैं उसके पास आऊं और मुझे भी जैसे उससे बात कर रही थी इतना घबराहट जैसे बेचैनी टाइप का ऐसा हो रहा था तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे अभी जाना ही चाहिए बोल के फिर फाइनली मैंने डिसीज़न लिया आने का तो उसी दिन मतलब रात की मेरी टिकट हो गई थी और फटाफट से मैंने पैकिंग सेकिंग कर लिया और जैसे थोड़ी देर में मुझे पता चलता है कि वो मौसम ख़राब होने के कारण वो फ़्लाइट कैंसिल हो गया तो मुझे इतना बुरा लगा सुन के कि मतलब एक दिन और ज़्यादा लेट पहुंच रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि कब पहुँचूँ वर्षा के पास फिर दूसरे दिन का टिकट किया और शाम को मैं पहुँची 7 से 7:30 बजे चंडीगढ़ और जैसे उतरी तो इतना ज़्यादा ठंड क्योंकि मुंबई में आप लोगों को पता ही है मौसम इतना अच्छा है अभी तो ना तो गर्मी है ना तो ठंड है इतना अच्छा मौसम है और जैसे चंडीगढ़ उतरी तो इतना कोहरा इतना ठंडा हवा चल रहा था और वहाँ पर जैसे उतरी और मैंने सोचा कि चलो टैक्सी करती हूँ और मतलब सीधा निकलती हूँ तो टैक्सी वाले को पूछा तो उसने बोला नहीं मैम कोहरा है तो कोहरे की वजह से हम नहीं जाएंगे तो फिर इधर से वर्षा ने बोला कि कोहरा है मम्मी आज मत आओ ऐसे उसमें सुबह आना तो उस दिन मैं फिर वहीं चंडीगढ़ में रुकी और दूसरे दिन फिर मुझे लगा कि मम्मी भी ऐसे बैठे हुए हैं तो मम्मी को भी लेके चलती हूँ साथ में मेरा थोड़ा साथ भी हो जाएगा और साथ में वहाँ पे थोड़ा जैसे कुछ काम वगैरह का भी हेल्प हो जाएगा और फिर साथ में फिर वापस भी आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम दूसरे दिन सुबह निकले और शाम को जाके पहुँचे और सच में कहूँ जैसे पहुँचे ना ऐसे दिल को सुकून मिला वर्षा को देख के कि ऐसा जैसे हुआ कि चलो भाई फाइनली मैं पहुँच गई अब मेरी बेटी को मैं इतना तंदुरुस्त बना दूँगी इतना मजबूत बना दूँगी सेवा करके तो ऐसा फील सामने से देख के ना अलग ही फील आ रहा था और देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई मशरूम की दिन की और यहाँ पर सूप भी बन गया है तो आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये विचार भी आएगा कि मतलब मम्मी इतनी दूर से आ गई तो सासू माँ क्यों नहीं आए तो सासू माँ भी आने के लिए वो पूरा रेडी थे मैंने उनको बोला कि अभी मैं जाती हूँ आप बाद में जाना क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है तो मैंने कहा ऐसे टाइम में मुझे सोचना चाहिए कि उनको भी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप बाद में जाना अभी मैं जाती हूँ
तो ये हमारा दोनों का तालमेल मिला था, तो ये है। तो चलिए अभी खाना भी बन गया, हमने दिन का खाना भी खा लिया, तो अभी बना रही हूँ ये शाम की चाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बांधा हुआ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो इस वजह से, और मुझे सिर पे ज़्यादा ठंड लगती है तो इसलिए मैं हमेशा सिर ढकती हूँ। अगर सिर नहीं ढकूँगी तो मेरा सिर इतना दर्द होगा, तो इस वजह से चाय भी उबल गई है। अब इसमें डालती हूँ दूध, और मुझे कड़क पीने का आदत है और इन लोगों को थोड़ा कड़क कम, तो मैंने चाय पत्ती थोड़ा कम डाला है। तो चाय बन गई है, ये मम्मी के लिए, ये वर्षा के लिए, मैं थोड़ा सा एक घूट, तो चलो मैं भी पी लेती हूँ एक घूट। अंधेरा 10-15 दिन हो गया, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया, धूप ही नहीं निकल रही है और कपड़े भी, जब पहले धूप भी निकलती थी 10-15 दिन पहले से, अगर धूप ही निकलती तो 4-5 दिन लगते थे उसको, अभी धूप ही नहीं है तो फिर इसको लॉन्ड्री में, इसलिए इसको लॉन्ड्री में कल जाना है देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर धो के तो ये तो एक महीना लग सोला ना, एक महीने भी नहीं सूखेगा ये मोटा मोटा कम्बल है ना जो, हाँ तो इस ये कम थी वाला तेरह। चलो अब चाय पीते हैं, ये किसका है, ये मेरा अली का, एक घूट। ओहो अगे पिए बकर थे पिए बोले ये बंदा धीरे पीते। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर मैं शाम की तैयारी करती हूँ, अभी क्या करना है, क्या खाने का मन है बेबी? ओह माय गॉड, मुझे तो इतना ट्रीट मिल रहा है, अच्छा महारानी वाला वो तो तभी तो ताकत आएगा, अभी तुम्हें ट्रीट करेंगे, सेवा करेंगे, तभी तो थोड़ा सा खून बढ़ेगा और खून बढ़ाना है। वो अनार भी और खाई सकी, अनार खा लिया मैंने की आजकल मैं, मेरा डेली का रूटीन है बादाम और ये अखरोट खाती हूँ और बॉयल अंडा खाती हूँ और अनार, और आज मैंने कीवी भी खाया और चिकन का सूप हो गया, का सूप वगैरह भी मुझे मिल रहा है, मालिश भी हो रही है, मालिश तो रोज हो रही है सरसों के तेल से, यहाँ देख नहीं सकती हूँ, दिखाऊंगी तो अभी इतना किलो, 1 किलो तेल है मेरे पास में। पता सरसों का तेल बहुत अच्छा है शरीर के लिए भी और सिर के लिए भी। तो चलिए अभी चाय पीते हैं और उसके बाद फिर बनाती हूँ खाना शाम का, अभी 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन बना दिया है सूप, और अभी ये बनने के बाद दूंगी, और चावल मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, तो अभी इसको ऑन नहीं किया है, तो लाइट तो यहाँ पर इतनी लाइट जा रही है कि कल मुझे लगा कि चावल कच्चा ही रह जाएगा, पर 4-5 बार आना जाना कर करके शुक्र पक गया था। तो अभी लाइट तो आ गई है, देखती हूँ अगर लाइट थोड़ी देर तक रही तो फिर देखूँगी। इतना मेहनत कर रहे हो तो इसको सिलने की क्या ज़रूरत है, मम्मी बोली ये चश्मा साफ करने के लिए ये सिल रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे निकलते हैं ऐसे, तो धागा नहीं निकलेंगे। बाबा ये तो आँख फोड़ने वाला काम है भाई, इतनी रात को इतना, बाबा तुरपाई भी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिखा ना ये तुरपाई भी पूरे अच्छे से, चुनी भी आपने आप कर लेते हो, वो तो पता है सब कुछ कर लेते। तो अभी मम्मी पूरा देखो इतनी रात को, अभी रात के मतलब रात ही हो गई, 6 बज गए हैं, अभी इतना तुरपाई कर रहे हैं कि मैंने पूछा भी, मैंने कहा क्या कर रही है, तो बोल रहे हैं कि चश्मा साफ करने के लिए, और देखो यहाँ पर ये लगा के कि ये ज़्यादा इधर खींच के ना, तो इसको ऐसे खींच के फिर तुरपाई कर रहे हैं। एक रुमाल ही आता है तो रुमाल से कर लो, रुमाल होगा यहाँ पर, छोटा सा जेब में पानी का चाहिए ना मेरे को, क्या चाहिए, छोटी जेब में पानी के लिए, अच्छा रुमाल लेंगे तो बड़ा आएगा। अच्छा ये छोटा, ये कहाँ से मिला आपको वैसे, ये आपटा फाड़ के मैंने ये जेब बना लिया स्वेटर का, ये जेब भी बनाया, देखो वो दूसरा स्वेटर में बनाया जेब,
इसको। अच्छा और यहाँ पे क्या है ये वाइट वाइट सा? ये भी वही है, यही ढोक रहे। देखो ऐसे जेब, मम्मी का आइडिया देखो, यहाँ पे जेब बना दिया अंदर से ना स्वेटर के अंदर। हाँ मोबाइल भी आ जाएंगे। चलो ठीक है। सच में इतना ठंड है ना यहाँ पे इतना ठंड। कितने साल, बहुत साल पहले मुझे ऐसा ठंड लगा था, उससे ज़्यादा अभी इतना ठंड है। मतलब देहरादून में भी नहीं होता, शायद मंसूरी जाऊँगी उस मंसूरी में भी नहीं होगा इतना ठंड जितना यहाँ पे एहसास हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड। एक तो मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई में आप लोगों को पता ही मौसम कितना अच्छा रहता है, तो वहाँ पर तो ठंड है ही नहीं। जैसे चंडीगढ़ पहुँची और उसके रात को पहुँची थी मैं 8 बजे, और दूसरे दिन सुबह ही मैं निकल गई थी, तो वहाँ पर भी इतना मुझे लगा नहीं ठंड था। पर यहाँ पर जैसे आए तब से बाबा इतना ठंड, और कल से तो और ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो अभी रजाई की, इतनी मोटी रजाई के अंदर बैठते हुए भी इतना ठंड लग रहा है।